भी नाम आता है, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स नहीं। हम जरा हो जाते हैं नैरो फिश, हम सोचते हैं कि जी सिर्फ न्यूज़ चैनल मैटर करते हैं। नहीं, एक्चुअली जब हम रेटिंग्स को देखते हैं तो एंटरटेनमेंट चैनल्स की या एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की रेटिंग हमसे कहीं ज्यादा होती है। आप आंसू लेके बैठी हुई, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप तो पहले भी आए, मुझे आवाज नहीं आ रही है एवी में। हेलो जी, आपके यहाँ कितने अरसे से? 15 साल हो गए मेरी शादी को। 15 साल हो गए आपकी शादी को? हालांकि काफी लोगों को दिखाया है मैंने। हाँ। औलाद अल्लाह कहते हैं हो जाएगी, अल्लाह की मर्जी है। मैंने अपने शौहर को भी दिखाया है, उनका भी कुछ ऐसा नहीं आया, उनके सब ठीक है। उनके भी रिपोर्टें वगैरह कराई, मेरी भी कराई। बस अब तो अल्लाह से है कि अल्लाह ताला को देना होगा, अब दे देगा। अब हिम्मत नहीं है, अगर अल्लाह ताला दे भी देगा ना, अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त ना खत्म हो गई है, क्योंकि ना अपनी है। अब ये है कि अल्लाह ताला से दुआ तो यही है, अल्लाह ताला एक बेटी दे दे, क्योंकि बेटी जो होती है ना वो जरा माँ का सहारा बनती है। और बेटे होते हैं ना, बेटे ज्यादा नहीं करते। मेरी बहन है, उनकी अभी औलाद नहीं हुई। मेरी दो बहन है, उनकी अभी औलाद नहीं हुई बेचारी की। यहाँ एक का तो इंतकाल ही हो गया बेचारी का, एक यानी कि अच्छी उम्र हो गई उनकी। हाँ। एज हो गई, बहन क्या रहती है हमारी वो। तो अब बड़ा अब एहसास होता है कि यार नहीं होनी चाहिए थी, अल्लाह ताला दे देता। नहीं करती इलाज तो एक बात और थी कि चलो भाई मैंने नहीं करा। जिसने कहा हकीम के यहाँ जाओ, हकीम के यहाँ भी गई हूँ, डॉक्टर के यहाँ भी गई हूँ, इतना इलाज करे डॉक्टर करे, मोटी हो गई। मगर अल्लाह ताला की पता नहीं क्या वही बात उनकी है कि अल्लाह ताला की इसके अंदर भी कोई बेहतरी होगी अल्लाह ताला की। और वैसे मेरे शौहर हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। ये नहीं, बहुत से मर्द होते नहीं जाते डॉक्टर के यहाँ, मेरे मियाँ ऐसी बात नहीं है, कहते हैं जहाँ करना चलो तुम, कोई ऐसी बात है ही नहीं। अल्लाह ना करे, बहुत से मर्द नहीं जाते, बहुत मेरा ख्याल करते हैं। कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, पैसों की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मालिक का, किसी बात की तकलीफ नहीं है, बस ये है तकलीफ। चले अल्लाह करे आप इस तकलीफ, बल्कि मैं खुश होती हूँ लोग क्या होते हैं तो मैं खुश होती हूँ। ये नहीं कि मतलब रो रहे हैं या वो कर रहे हैं। हाँ। ये बस ऐसे आ गया। अच्छा, आपके आपके दिल में कोई नाम है, कोई नाम सजेस्ट करना चाहेंगे इनके बच्चों के लिए? इनके बच्चों के लिए मैं ना एक आसिम और मंसूर रखना चाह रही हूँ। आसिम और मंसूर। हाँ। और बेटियों के लिए महक। हाँ। और अभी जहन भी नहीं। हाँ? क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ब्रेक पे जाना है। पेरेंट्स को, मैके वालों को पता होता है कि मियाँ जो है वो बाहर होंगे, तो बड़ा अच्छा रिश्ता भी तस्वर किया जाता है कि अच्छा जी बाहर कहाँ है, कहाँ वो? अभी तो गए हैं, अभी तो लाहौर गए हैं। अच्छा, मगर मैं ज्यादातर रहते रहेंगे, मतलब एक आएंगे एक हफ्ते के लिए, फिर चले तो नहीं कर ली तो क्या हुआ? पता लगाया कर ले, अगर नहीं कर ली तो कर ले। कहीं वहाँ बाहर जो बार बार जाते रहते हैं वहाँ कोई दूसरी हसीना कर ले तो क्या हुआ? तो अच्छा, शहर में चार जाइज है, शहर में तो चार जाइज। कौन सी बीवी है? आगे बढ़ाओ। ये आंसू बहा बहा के दुख सह सह के पत्थर दिल हो गई है। अब नहीं होता है, नहीं अब कुछ आपने नहीं होता। कहा ना तो इसलिए दिल भर आया, खराब हो गया। मेरा भी दिल चाहता है। हाँ, कहाँ कभी महसूस हुई आपको? हर जगह होती है। कब कब कितने बच्चे आप लोग? मेरे दो बेटे। दो बेटे, दो बेटे। तो आपने तो उनकी परवरिश अकेले ही की होगी, जा रहे मियाँ बाहर है ना? मैं रहती हूं दो बच्चों के साथ अपने। वो आप तो आपको कहाँ कहाँ उनकी कमी सबसे ज्यादा? मैं कर भी लूंगा, मैं कर लूंगा, अगर यही रवैया रहा तो कर दूंगा, यही रवैया रहा कर दूंगा। इसमें तालियां वाली तो कोई बात नहीं है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, किसी की जिंदगी का एक लटक रही है जिंदगी इधर की उधर। बात ये बात सीरियस बात है, नहीं सीरियसली देखिए, बहुत मस्ती मजाक हो रहा है प्रोग्राम में, बड़ा लाइटली मैं लेकर चल रही हूँ, सुबह का प्रोग्राम है, लेकिन ये मस्ती मजाक वाली बात नहीं है कि इतना थोप देना अपनी जिंदगी को सिर्फ इसलिए कि किसी तरह टीज करना, टीज करना है, कॉम्प्लेक्स है कि ये तो बच्चा मुझे दे नहीं सकती, तो चलो मैं इसको इतना तंग करूं कि तंग आके कहे खुदा के लिए दूसरी शादी कर लो तो मेरी जान छोड़। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर मैंने इसकी आज तो कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो तो लेकिन आपने ये भी तो कहा है कि तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो तो तुम मेरी बर्दाश्त करो। आप मैं आपको एक बात बताऊं, अपने दिल की बात मैं आपको आज कहती हूं, मुझे ऐसा लगता है मैंने शादी नहीं की, मुझे कोई सजा हो गई और मैं जेल के अंदर हूं। देखिए इस तरह अब ये तो फरार होने वाली बात है ना, फिर ये तो फरार होने वाली बात है। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक।
कब आएगा तू? क्या फायदा आने का, हर वक्त तो तेरा शौहर तेरे पास होता है। दिमाग ठीक हो गया उसका रकम जाने के बाद? अब तो वो नाइट ड्यूटी करने लगा है गार्ड की। ये तो अच्छा किया उसने, चल आता हूँ रात को। 7 बजे चला जाता है वो, जल्दी आ जा, बड़ा दिल कर रहा है तुझसे मिलने का। आ तो जाऊं, लेकिन लेकिन मसला ये है कि मेरा दिल भर गया तुझसे। जब तू अपने शौहर के साथ धोखा कर सकती है तो फिर मैं क्या चीज हूँ? पागल हो गया तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? पागल तो तू है। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मैं कोई शरीफ लड़की ले आऊंगा। वैसे तू है बहुत बेगैरत। क्या क्या क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं इनको भी बोलता हूँ और अम्मी को भी कहता हूँ कि आप भी समझा दें। जब आप बहन की तारीफ कर रहे हैं सबके सामने बैठ के, तो आप मेरी भी कर सकते हैं कि आपने भी आज खाना अच्छा बनाया है। आप बोल सकते हैं, जब बुराई करनी होती है तो आप सबके सामने बोल सकते हैं कि आज नमक कम है, तुमने खाने में नमक ज्यादा तेज कर दिया या कम कर दिया या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बुराई करने में सबके सामने तारीफ ऊपर लग जाती तो मजा आ जाता। तबीयत तो ठीक है या फिर जूते खाने का शौक हो रहा है? अभी दफा करें ना, छोड़े तुम लोग को मुँह लगते हैं। हाँ ना भाभी, आप क्यों मुंह लगाएंगी? जिसे मुंह लगाना चाहिए वो तो लगा नहीं रही। छोड़ दे। बिल्कुल मुझे ऐसे रखा हुआ है, बस एक साइड में ले जाके शोपीस की तरह सजा दी है कि बस मैंने सामने नहीं आना। शादी से पहले इन्होंने बताया था आपको कि भाई तुम दूसरी बीवी हो? मुझे बताया था कि मैं तुम्हें इन्होंने मुझे बताया था, लेकिन इन्होंने मुझे ये कहा था कि बस कुछ टाइम की बात है और मैं बता दूंगा कि हाँ मैंने शादी कर ली। और शादी कितना टाइम? जी कहाँ थे यार आप? हाँ बस वो गाड़ी खराब हो गई। वो तो रोज ही होती है, मियाँ साहब ने याद किया है आपको। हाँ आ रहा। और पहली बस मुझसे मिस हो गई है, दूसरी बस